लोग पारखी संत कहलाते हैं। नहीं, एक लेबल है। वैसे हर मनुष्य हर जीव पारखी है। पारखी का अर्थ होता है परखने वाला। अच्छा बताइए, यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबसे मैं पूछूं, जब घड़ा लेने जाती है तो परखते हैं कि नहीं परखते हैं? परखते हैं ना। ये हमारे भाई लोग पेंट शर्ट खरीदने जाते हैं तो परखते हैं ना। बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, बस सिंपल सी बात समझिएगा। जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो परख करके खरीदते हैं कि यूं ही उठा लेते हैं? परखते हैं। घड़ा लेते हैं तो परखते हैं, और सोना चांदी लेना हो तो और ज्यादा परखते हैं। तो परखना सबका स्वभाव है। चींटी भी परखती है, जब कंकड़ और चावल मिले हो तो परख लेती है। जीव का स्वभाव ही है पारख, परखने का स्वभाव। इसलिए ये मत समझना कि जहां पारख शब्द आ जाए या पारखी शब्द आ जाए तो एक लेबल दे देते कि यहां बुढ़ानपुर शाखा वाले ये पारखी संत हैं। अरे संत पारखी नहीं, पारखी ही होते हैं। और जो संत परख न कर पाए या पारखी न हो सके, वो संत ही नहीं हो सकता। संत का काम ही है परखना, और आप सबका काम है परखना। तो इसलिए गुरु कबीर ने कहा है, आपन पाओ आप ही बिसरियो। साहिब एक विनती है प्रवचन के आधा एक घंटे अंतिम में सबकी समय होगा। बोले सतगुरु देव की, तो मैं गुरु और कबीर साहब जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है, आपन पौ आप ही बिसरियो। अपने पौ को देखिए कितना अद्भुत। मैं कभी जब इस पद को पढ़ा, जब इस पर मनन किया, तो गुरु कबीर साहब की बात को सोच करके कभी कभी मैं आश्चर्य में रह जाता हूं कि दुनिया के इतने शब्द के महारथी थे, कहां कहां से शब्द उठा करके ले आते हैं। हम जिस कबीर को लोग कहते कि अनपढ़ थे, मुझे तो आश्चर्य होता है कि गुरु कबीर अनपढ़ कैसे रह सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में पढ़ने से ही कोई विद्वान कैसे हो सकता है। केवल स्कूल में पढ़ लेने से कोई शिक्षित नहीं होता, और स्कूल न जाने से कोई अनपढ़ नहीं होता। देखिए इस विश्लेषण, देख आपन पौ, आपन यानी अपना, पौ पौ सब सब समझते हैं। एक आपको याद दिलाऊं, ये भाई लोग जल्दी समझ जाएंगे, माताएं थोड़ा कम समझेंगी, जी पासा खेलने वाले लोग हैं ना, पौ बारह बोलते कि नहीं बोलते, यानी बारह और एक, यही होता है ना, यानी छह छह का दो गोली रहेगी और एक का एक गोली, तो क्या बोलते इसको, पौ बारह। यानी पौ बारह एक चाल है, और उस पौ का मतलब होता है एक, यही हुआ ना एक। इसका हिंदी में दूसरा अर्थ होता है पौनाम, सूर्य की किरण, जो सूर्य की किरण है, प्रकाश है, इसको पौ कहते हैं। पौ फटना, सवेरे होना। गुरु कबीर साहब ये संदेश देते कि आपन पौ आप ही बिसरियो। अपने पौ को, अपने एकत्व को, अपने उस परम तत्व को, उस चेतना को, उस प्रकाश को, जिस प्रकाश को गुरु कबीर ने कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। हर जीवात, हर शरीर के अंदर में वो जीवात्मा चैतन्य रूप में, प्रकाश रूप में विराजमान है। और ऐसा नहीं किसी एक में, सब में। और उसी जीवात्मा को, उसी चेतन को, उसी ज्ञान को, उसी चैतन्य को, उसी प्रकाश को, उसी ज्योति को गुरुवर ने राम कहा है, उसी को परमात्मा कहा है, उसी को ईश्वर कहा है। दो प्रकार की दुनिया में परंपरा रही है, एक अवतारवाद और दूसरा उत्तारवाद, एक ऋषि परंपरा और दूसरा संत परंपरा, उसी को ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा कहा जाता है।
दोनों का थोड़ा भेद समझ लीजिए। जितने भी ऋषि हुए हैं ना, अब शास्त्रों में पढ़ते ही होंगे, दुर्वासा ऋषि, परशुराम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इन सब का जीवन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़े तो ये जल्दी क्रोधित होकर के श्राप देने वाले हुए हैं, सही कि नहीं? मैं नहीं कहता भाई, आपका शास्त्र आपको बताता है। तो ऋषि एक ने तो बढ़िया अच्छा से परिभाषा किया इसका, ऋषि मतलब जो रिसा जाए, जो छोटी छोटी बातों में ही रिसा जाए वो ऋषि। वस्तुतः ऋषि जो शब्द बना है ना, ऋचा से बना है, जो वेद की ऋचाओं का जो मनन करे, जो वेद की ऋचाओं को जो लिखे उसको ऋषि कहते हैं। तो एक ऋषि परंपरा है जो ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत भी आते हैं, और ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत में जितने भी हैं सब अवतारवाद की काम स्थापना किए हैं। वहां अवतारवाद है। अवतार क्या होता है? कोई ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है, वो इस धरती में अवतार लेकर के आकाश से नीचे की ओर आते हैं। ऐसे कबीर साहब के लिए भी मान्यता बनाई रखी है कुछ लोगों ने कि कबीर साहब आकाश से वो जमीन में आते हैं, कमल के फूल में प्रकट होते हैं। पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, और अन्य हर करता नहीं ताका नाम कबीर। वैसे इस चौपाई का जो अर्थ है ना, बहुत बढ़िया है। और जो जीव आत्मा है, जिस जीव आत्मा की मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, सच में किसी पानी से पैदा नहीं हुआ। गीता भी तो यही कहती है, न आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा बहा सकती है। गीता भी यही बात कहती है, पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, और अन्य हर करता नहीं ताका नाम कबीर। इस शरीर के अंदर में जो जीव आत्मा निवास करता है, यही तो कबीर है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। गुरु और कबीर और अन्य मत पंथ में यही थोड़ा सा अंतर है। जितने भी मत पंथ के लोग हैं जो ईश्वरवादी हैं, वो ईश्वर को कहीं बाहर मानते हैं, बाहर खोजने के लिए बोलते हैं, वो कहीं बाहर से मिलेगा। गुरु और कबीर साहब ने बताया कि ईश्वर तो है, लेकिन उसका ठिकाना सही गुरु कबीर साहब ने बताया कि जो मेरा परमात्मा है, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा मालिक है, वो कहीं बाहर, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। घट घट में वही साईक बसत है, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। और बहुत ही साफ शब्दों में कहते, दिल मा खोज दिलही मा खोजो। जिस परम संत सत्ता को तुम खोज रहे हो, और आज से नहीं, जही खोजत कल्पो गया घट ही माई सो मूड। जिस परम सत्ता को, ईश्वर को, परमात्मा को तुम आज से नहीं कल्पो कल्प से खोज रहे हो, वो घट ही माई सो मूड, घट में ही है। तो दिल मा खोज दिलही मा खोजो, ये दिल मा खोजो। और जोर देकर कहते हैं, भाई खोज करके तो देखो, जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैठ, और वह बावरन डुबंडरा रहा किरानी बैठ। जो किनारे में रहता है ना वो पाता, जो खोजता है। देखिए लोग, आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और अपना नाम चलाना चाहता है, नाम की बड़ी भूख है, हर आदमी नाम चाहता है। याद आया, जितने भी अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक है, या जितने लोग बैठे हुएंगे ना, हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा, सही कि नहीं? किसी किसी को पता होगा कि उस मोबाइल का आविष्कार किसने किया। जिस माइक से हम बोल रहे हैं, इस माइक को किसने बनाया। जिस टीवी को आप रोज देखते हो, उस टीवी के आविष्कारक कौन है। जिस मोटरसाइकिल को आप चलाते हैं, उसको आविष्कारक कौन है, जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो जिन वस्तुओं को, जिन सामग्रियों को आज हम प्रयोग करते हैं, उनके वैज्ञानिक को, उनके बनाने वाले का भी नाम नहीं जानते हैं। उसने कभी भूख नहीं थी उनको, उन्होंने तो केवल देश समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करते गए। तो गुरु और कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरा परमात्मा है, मेरा जो साई है, जो मेरे भगवान है, तो दिल मा खोज दिलही मा खोजो, इहें करीमा रामा। वो राम जो है और करीम, दोनों एक ही है।
लोगों ने लड़ाई इसी बात की तो लड़ी कि मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान। और 600 साल बीत गए कबीर साहब जी को, महात्मा बुद्ध को 2500 साल बीत गए, लेकिन लड़ाई ज्यों की त्यों है और बढ़ती चली जा रही है। समाज पर समाज बदलते चले जा रहे हैं, परंपराएं बढ़ती चली जा रही है। ये क्यों? क्योंकि खाई और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सही समझ नहीं है। और सही समझ क्या है? सही समझ यह है कि आपन पौ आप ही बिसरियो, अपने पौ को जान जाएं, अपने स्वरूप को समझ जाएं, अपने अस्तित्व को जान जाएं, तो बाहर भटकना समाप्त हो जाएगा। अपने स्वरूप को भूलते कैसे? तो एक दो उदाहरण दूं। वैसे इस पद में 5 प्रकार के उदाहरण है, जिसको और समय से क्रम से चर्चा करेंगे। वर्तमान मेरा समय पूरा हुआ, इसलिए एक दो उदाहरण से समझिए और हम पूज्य साहब जी को हम श्रवण करेंगे। एक आदमी था, एक आदमी नदी किनारे गया, तो नदी किनारे जब गया ना, तो नदी का पानी बिल्कुल साफ था, पानी बिल्कुल साफ था। तो देखता क्या है कि नदी की तलहटी में चमकता हुआ सोना का एक हार पड़ा हुआ है। अब आदमी को सोना का हार देख करके, हार भले जाए लेकिन हार मानने वाला सही नहीं। और माताओं के मन में तो लड्डू फूटने लग गए होगा, शायद उस नदी के किनारे का काश हम पहुंच गए होते, सही कि नहीं। तो सोने का हार नदी में पड़ा हुआ था। उसको जैसे देखा आदमी, इधर से उधर देखा कि कोई और तो नहीं देख रहा है, और डुबकी लगाया, बहुत खोजने का प्रयास किया, फिर बाहर निकला, हाथ में आया नहीं। उसने पुनः प्रयास किया, ऐसे करते 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 वो कम से कम 3 घंटा बिता दिए। बाहर निकलता था, फिर इंतजार करता, थक जाता था ना, सांस भर जाता था, दिखता था कि हार वहीं पर है, लेकिन डूबता तो हार मिलता ही नहीं था, है तो वही पर, लेकिन डुबकी लगाने पर मिलता क्यों नहीं है? वो आदमी थक करके बैठा था, सांस फूल रहा था। उसी रास्ते से संत आ रहे थे। इस संत होते हैं ना, ये हमारे जीवन के सारे समस्याओं का हल करने वाले होते हैं, सभी समस्याओं का संत हल। और संत का मतलब फिर यहां पर मैं ये संत नहीं बताता कि कोई पारखी संत, कबीरपंथी संत, राधा स्वामी संत, तो सेवाचारी संत की वैष्णव संत। संत तो संत है जी, संत में कोई लेबल नहीं लगता है। संत में तो हमने यूं ही लेबल लगा दिए, ये कबीरपंथी संत है, ये वैष्णव संत है, तो ये नागा संत है, ये बौद्धिक संत है, वो जिस परंपरा में चलने वाले उसका हमने लेबल डाल दिया। लेकिन जो विशुद्ध रूप में जो संत है उसका कोई पहचान नहीं होती, बाहरी पहचान नहीं होती, कपड़े पहचान नहीं होती। संत तो एक भाव है, संत तो एक पदवी है, संत तो एक अवस्था है, और उस अवस्था में जो रहे वो चाहे आप भी हो सकते हैं उस संत की स्थिति में। तो संत आ रहे थे, संत ने देखा कि भाई तू इतना हांफ क्यों रहा है। उसने कहा, गुरुदेव आपको प्रणाम है, और देखिए यहाँ पर एक हीरा हार है सोने का, और इसको पाने के लिए मैं 3 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मिलता। देखिए दूर की चीज हमको जल्दी दिखाई पड़ती है, दूर की चीज बड़ी जल्दी देख लेते हैं, और नजदीक की चीज दिखाई पड़ती है, दूसरे का दाग जल्दी दिखता है, अपना दाग दिखता नहीं है। यही तो विडंबना है दुनिया की। अरे एक बार हुआ क्या कि एक बूढ़ा आदमी बैठा था घर में, अपने बहू को आवाज दिया कि भाई मेरे लिए चाय बना करके लाओ। जब चाय बना करके लाई और कप में देती है, जैसे पीने लगता है बूढ़ा उसको फेंक देता है। बहू सोचती क्यों फेंक गए, तो कहे अरे इसमें मक्खी बैठ गई थी इसलिए मैंने फेंक दिया। दूसरे बार बहू फिर लाती चाय, फिर पीने जैसे लेता है मुख में, फिर बूढ़ा फेंक देता है। 2 बार तो ठीक समझ में आया कि गलती हो गई, तीसरे में गुस्सा आने लगा, गुस्सा झल्ला कर कहती है हरामजादी तुम्हारी आंख दिखाई नहीं पड़ती क्या? ये बार बार मक्खी से पड़े ही हुई तुम चाय ही लेकर ले आती हो। बहू बिचारी सपका जाती है, फिर से डरी जाती है, बड़ी छानती है और बहुत प्रयास करती, देखती है, फिर लाती है दूसरे बर्तन में, फिर देती है, फिर बूढ़ा पीने लगता है, फिर जोर से फेंकती है वो इस बार तो बूढ़ा। बहू कांपने लगती, हुआ तो हुआ क्या? लेकिन देखती है तो देखती क्या, जो बूढ़ा चश्मा पहना था ना, उसी चश्मा में मक्खी बैठी हुई थी। बहू ने अब हिम्मत करके कहा कि पिताजी
अपने चश्मा को हटा करके तो देखो, जब चश्मा को सच में हटा करके देखा ना तो चाय तो पहले जैसे ही था, कोई मक्खी नहीं थी। मक्खी किसमें थी? मक्खी चश्मा में बैठी हुई थी और वो बूढ़ा यू ही डांट रहा था। तो कभी कभी हम भी एक गलत चश्मा पहन लेते हैं, कभी कभी आंख का दोष नहीं होता, चश्मा का भी दोष हो सकता है। और यही तो दुनिया की विडंबना है कि हम जो कोई राधा स्वामी का चश्मा पहन लिया है, कोई कबीरपंथी होने का चश्मा पहन, ये चश्मा ही तो है। अब इसी से हम देखते हैं जी दुनिया को। अगर कबीरपंथी जैसा है तो ठीक, कोई कहता है राधा स्वामी जैसे व्यवहार करता है तो ठीक, कोई कहता है कि अगर सेवाचारी जैसे लोग हैं तो ठीक, और कोई दुर्गा का उपासक है तो दुर्गा भवानी की उपासना करने वाले ही तो ठीक, राम को मानने वाले कहते हैं अगर राम नवरात्रि के दिन पूजा उपवास करे तो ही ठीक, रामनवमी के दिन पूजा करे तो ही ठीक। ये चश्मा ही तो है, पता नहीं कितने प्रकार के हमने चश्मा पहन रखा है और उसी चश्मा से देखा करते हैं। तो कभी कभी दोष दूसरे में नहीं होता, अपने में होता है। और गुरु ने तो कहा ही है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना। हम दूसरों में बुराई देखते हैं, शायद थोड़ा हम नजर को झुकाएं अपनी ओर देखें तो बुराई नजर में आ जाएगी। और यही जीवन जीने की असली कला है। तो मैं कह रहा था कि वो आदमी जब थक जाता है तो गुरु के चरणों में शीश झुकाता है और कहते हैं गुरुदेव यहाँ पर हार पड़ा हुआ है और इस हार को पाने के लिए मैं 3 घंटे से मेहनत कर रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है। गुरु ने देखा और देख करके उसने समझ लिया और कहा कि बेटा कपड़ा पहन लो। अब कपड़ा क्यों पहन? अरे कपड़ा तो पहनो। कपड़ा पहनाया और कहा मैं जैसा कहा था वैसा करो। ये जो वृक्ष है ना, उसी नदी के किनारे में एक वृक्ष था और कहा मैं जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ और मैं जैसे कहता जाऊं वैसे करते जाना। चंद तो है वो पानी को देख रहा है और पानी में जो परछाई पड़ी है उसके अनुसार से उसको कह रहा है कि चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। जब वो आदमी चढ़ता गया, अंतिम डाली की ओर जब गया तो कहे हाथ को आप लंबा करो और हाथ को लंबा करो, वहां तक दिखाई भी नहीं पड़ रहा था उसको, कहे हाथ पकड़ो और हाथ से पकड़ा, कहे उसके हाथ में वो हार आ गई। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक उसका सही भेद मिलता नहीं है। हार पानी में नहीं था, हार तो वृक्ष में लटका हुआ था, लेकिन गुरु के बताए मार्ग के बिना वो हार मिलता भी नहीं। संदर गुरुजन कहते ये गुरुजन जो संत हैं, ये हमारे आत्मबोध के परिचायक है, आत्मबोध को देने वाला है। और जब तक ये आत्मबोध का परिचय हम सबको नहीं होगा, जिसको गुरु कबीर ने कहा आपन पौ आप ही बिसरियो, हमने इस अपने पन को किसी दूसरे ने नहीं बिसराया है, हमने भूल गया है। किस कारण से? दो ही कारण, अहंकार और अज्ञान के कारण। अज्ञान और अहंकार के कारण ही अपने अस्तित्व से, और जब तक अपने अस्तित्व को हम नहीं जानेंगे, चाहे आप किसी भी मत पंथ, और अस्तित्व को जानना किसी पंथ की बात नहीं है, अपने आप को जानना अपने आप को समझना किसी पंथ की बात नहीं है। और जब तक अपने आप को नहीं जान पाएंगे तब तक दूसरे को भी समझ सकते नहीं है। गुरु कबीर ने कहा है जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। जब तक दिल से दिल नहीं मिलेगा, और दिल से दिल कब तक नहीं मिलेगा? जब तक हम एक दूसरे के महत्व को और एक दूसरे को समझ सकते नहीं है। इसलिए गुरु और कबीर की इस पहली पंक्ति पर कुछ देर टिप्पणी करने का प्रयास किया। इसका अगला विश्लेषण हम अगले प्रवचन में करेंगे। आप सबको धन्यवाद देते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।